हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल द पेन होवर में। मेरा नाम है मोहम्मद शब्बीर और आज मैं इस पेन को दोनों पेन को कंपेयर करने वाला हूँ। दिस इज़ द पाका बीटा एंड दिस इज़ द पाका वेक्टर। टुडे आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस बोथ पेन। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। मैं इन दोनों पेन्स को चार एस्पेक्ट्स में कंपेयर करूँगा, स्मूथनेस, राइटिंग कम्फर्ट, ड्यूरेबिलिटी, वेट बैलेंस। चार एस्पेक्ट्स में कंपेयर करूंगा और बताऊंगा दोस्तों कौन सा अच्छा है, कौन सा आपको लेना चाहिए। वैसे ही दोनों ही, मेरे हिसाब से तो दोनों ही पेन बहुत ही अच्छे हैं, पर वर्थ ऑफ प्राइस कौन है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ आप अपने घरों में रहे क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना वायरस बहुत ही फैल रहा है। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपने घर में रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। So first is the smoothness. So this is the Paka Beta and I am writing with it. It is very smooth, very nice writing experience. And let's try the Paka Vector. इसमें मैंने ब्लू इंक डाला है। बहुत ही स्मूथ है दोस्तों, और ये मुझे बीटा से ज़्यादा स्मूथ निब लग रहा है। और दोनों ही दोस्तों फाइन निब में है और दोनों ही मुझे निब सिमिलर टाइप के लग रहे हैं। पर पता नहीं वेक्टर का इस निब मुझे क्यों स्मूथ लग रहा है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, वेक्टर स्मूथनेस टेस्ट में आगे है। सो चलिए दोस्तों आगे, वेक्टर को इसमें वन पॉइंट मिलता है, बीटा को ज़ीरो। Vector is a bit smoother than beta, so that's why in smoothness test vector wins. So in terms of writing comfort, as you know, the in मेरे हिसाब से ये wider grip और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ rough surface दी गई है ताकि आपको अच्छा grip मिले। तो इन टर्म्स ऑफ राइटिंग कम्फर्ट द बीटा इज प्रीटी मच बेटर देन वेक्टर, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ नैरोअर सा ग्रिप है, मतलब कुछ वाइड ग्रिप है, और इसमें दोस्तों मुझे हद से ज़्यादा नैरो ग्रिप लगता है। पर आपको अगर स्लिम पेन पसंद है तो ये पेन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, पर मुझे थोड़ा सा वाइडर ग्रिप पसंद है, इसलिए राइटिंग कम्फर्ट में बीटा इज अ बिट बेटर देन वेक्टर। और दोस्तों वेक्टर का जो ग्रिप है आप देख सकते हैं थोड़ा सा नैरो है, और ये जो मेटल का है वो गर्मी में अगर आपको पसीना निकलता है ज़्यादा तो ये बहुत ही स्लिप करेगा, बहुत ही आपको मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। पर सिग्नेचर्स के लिए आप इसे यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसका निब दोस्तों बहुत ही छोटा है, इसलिए मुझे राइटिंग एस्पेक्ट्स में कम्फर्ट में ये उतना पसंद नहीं है। पर पेन बहुत ही हल्का, अगर आपको स्लिम पेन पसंद है, अगर आप एक स्टूडेंट है, आपके छोटे छोटे हाथ है, आप छोटे स्टूडेंट हैं 5-4 क्लास के, तो आपके लिए ये पेन एकदम सही है। सो
इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी दोनों ही पेन दोस्तों एकदम हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बने हैं। और दोस्तों इसको मैंने एक मार्क्स देना भूल गया, यहाँ पे वेक्टर को ज़ीरो मिलता है। इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी दे बोथ पेन हैव द सेम ड्यूरेबिलिटी, और ये दोनों एकदम ही मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बने हैं, तो इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी में कोई शक नहीं किया जा सकता, इसलिए इन दोनों को इस टेस्ट में दो एक एक पॉइंट मिल जाता है। दोनों को दोस्तों एक एक पॉइंट। ड्यूरेबिलिटी में दोस्तों दोनों ही बराबर हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों वेट बैलेंस, ये एक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है दोस्तों पेन, अगर आपका वेट बैलेंस सही नहीं रहेगा तो दोस्तों आपको लिखने में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा, चाहे वो पेन कितना भी स्मूथ हो, उसका ग्रिप सेक्शन कितना भी अच्छा हो। चलिए दोस्तों राइटिंग वेट बैलेंस देखते हैं दोस्तों। पार्कर जो वेक्टर है बहुत ही हल्का है दोस्तों, और आपका अगर यू हैव बिग हैंड लार्जर हैंड्स तो आप पीछे कैप को लगाकर आराम से लिख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। सो वेक्टर नाइस वेट बैलेंस। एंड बीटा आल्सो have a very nice weight balance, अगर it is very good for small hands, क्योंकि आप अगर आप छोटे हाथ हैं तो बिना कैप को पीछे लगाए आप आराम से लिख सकते हैं। एंड यू हैव लार्जर हैंड्स सो यू कैन पोस्ट द कैप एट द बैक एंड राइट वेरी कम्फर्टेबली। सो देख सकते हैं दोस्तों दोनों पेंस में टाई हो गया है, स्मूथनेस में पार्कर थोड़ा बीटा थोड़ा पीछे है, वेक्टर थोड़ा आगे है, राइटिंग कंफर्ट में बीटा आगे है वेक्टर पीछे है, और ड्यूरेबिलिटी और वेट बैलेंस में दोनों ही दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं। सो ये दोस्तों टाई है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपको थिन पेन पसंद है तो आप वेक्टर ले, अगर आपको वाइडर पेन पसंद है और थोड़ा बड़ा पेन पसंद है तो आप बीटा ले। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे थे दोस्तों, बहुत ही मेहनत की है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ घर में रहे, बाहर ना निकले, कोरोना वायरस बहुत ही फैल रहा है, और दोस्तों इसको संक्रमण के साइकिल को तोड़ने के लिए आपको घर में रहना पड़ेगा, तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ घर में रहे, साबुन से अपने हाथ धोए। दोस्तों चलता हूँ, फिर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, टिल दैट गुड बाय।